नमस्कार। वास्तु के अनुसार द्वार योजना, कल हमने आपको वास्तु पुरुष के 32 पदों का जिक्र किया था और पूर्व दिशा के 4 पदों का विस्तार से वर्णन किया था। कौन से पद पर द्वार रखना, मुख्य द्वार बनाना शुभ होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कल एक मित्र का फोन आया, उनका कह रहे थे कि एक बार पुनः समझाइए कि द्वारों का निर्धारण करने के लिए जो प्रमुख 32 देवता हैं, 32 हमारे जो पद हैं, उनके निर्धारण कैसे करते हैं। तो एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारा जो प्लॉट है उसका फ्रंट 24 फुट है, तो हमको उसमें 8 से भाग करना है। 8 से भाग करने पर 3 आता है, तो 3 फुट का एक पद हो गया और उसमें 8 देवता हैं उसके, उस पूर्व दिशा के 8 देवता हैं, उनको स्थापित कर देंगे और हमारा द्वार कहाँ पर आ रहा है उसे देख करके उसका फल बता देंगे। इससे घर के वास्तु का भविष्य बता सकते हैं। तो कल हमने आपको इसी सिखी, ईश, पर्जन्य, जैन, तुरिंद्र, इन 4 पदों के बारे में बताया था, जिनमें से कहा था कि जैन और इंद्र पद बहुत अच्छे होते हैं, यानी तीसरा और चौथा पद द्वार के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शुभ होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। इसके आगे आज हम फिर 4 पदों को बता रहे हैं। उससे आगे आता है 5वां पद सूर्य। यदि सूर्य पद अच्छा होता है, ठीक पूर्व दिशा होती है जिसमें स्वामी सूर्य होता है, लेकिन इस दिशा में दरवाज़ा बनाना बहुत अच्छा नहीं होता, क्यों? इसमें जो है व्यक्ति जो है अपने अहंकार में आकर के निर्णय ले लेता है और गलत नतीजे निकलते हैं। शीघ्र आवेशी यानी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बात बात गुस्सा आता है। यदि आप किसी और मकान में रहे थे और आप उस मकान पहुँच गए जिसका दरवाज़ा सूर्य पद पर है, तो आपको शीतला बना देगा, बात बात गुस्सा आने लगेगा और हमेशा नतीजे अप्रिय यानी ख़राब नतीजे निकलेंगे। कोई भी आपने निर्णय लेंगे उसके नतीजे अच्छे लेंगे, तो यानी कि इस स्थिति में द्वार बनाना अच्छा नहीं होता। इसलिए जो 5वां पद है सूर्य का, उस पर आप द्वार न बनाएं। 6ठा पद है सत्य। सत्य पद जो है ये नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन नाम के विपरीत काम होता है यहाँ पर। ये 6ठा पद है और ये इसमें जो है व्यक्ति जो है विश्वसनीय नहीं होता। जो व्यक्ति ऐसे घर में रहते हैं जिसका दरवाज़ा इस पद पर है, सत्य के पद पर है, उसके व्यक्ति, उसके जो रहने वाले लोग हैं, विश्वास के योग्य नहीं होते हैं और वायदों के विपरीत काम करते हैं। वादा कर लिया आपसे, नहीं करेंगे पूरा उसको। ऐसे इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने स्वार्थी लोग होते हैं या हो जाते हैं। और दूसरी बात, इसमें जो घर में बेटियां बहन होती हैं उनके लिए ये दरवाज़ा बहुत अशुभ होता है, इसलिए बेटियों कल्याण चाहने वाले को, अपने अहंकार को कम करने वाले को ऐसे पद पर दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। अगर 7वां पद है भ्रंश, भ्रंश भी अच्छा नहीं होता, ये भी असंवेदनशील बनाता है। कोई मरा पड़ा है घर में या कोई व्यक्ति मिल रहा है, उसके लिए संवेदना है ही नहीं उसके अंदर, अपने काम से काम रखता है, कोई जियो मरो उसका कोई मतलब नहीं। ऐसे पद पर भी, भ्रंश पद पर भी मकान का दरवाज़ा अच्छा नहीं होता, इससे बचें। और ऐसे व्यक्ति जो है ना असंशय, उसके बाद डाउट रहता है उसके अंदर, हर प्रति के हर के व्यक्ति के बारे में उसको शंका रहती है, संदेह रहता है और वह कठोर निर्णय लेता है, अपने अहंकार से निर्णय भी अच्छे लेता हो। तो ऐसे घर में अगर जाने वाले हैं आप जिसका दरवाज़ा भ्रंश पद पर है, तो बचिए उससे। आगे है 8वां पद है अंतरिक्ष या आकाश। ये प्रॉपर अग्नि कौन बैठता है, तो ये जो पद है ये इसमें भी अच्छा नहीं होता। इसमें क्या होता है, आर्थिक हानि रहती है, हमेशा हानि होती रहती है। थोड़ा काम बड़ा हानि हो गई, काम को उठा डप हो गया, तुरंत जो है काम बनते बनते बैठ जाते हैं, दुर्घटनाएं, बच्चों के परिवार के सदस्यों साथ में दुर्घटनाएं होती हैं, आकस्मिक तनाव होता है, धोखा होता है और चोरी आदि की घटनाएं घट सकती हैं और दुर्घटना अग्निकांड हो सकता है। तो ये ध्यान रहे, इस दरवाजे इस प्रॉपर अंतरिक्ष यानी 8वें पद पर भी, इन पदों में केवल 2 पद ही
द्वार बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तीसरा और चौथा जयंत और इंद्र। और प्रजन्य भी ठीक होता है, जब अगर कहीं व्यवस्था न बन रही हो, जयंत इंद्र के अलावा प्रजन्य भी अच्छा पद होता है। ये मैंने विवरण लिखा है, आप देखिएगा, ये जो पूरा दिशा है इसके आठों के आठों स्वामी लिखे हुए हैं कैसे बनेंगे, तो मैं इसको बाद में भेजूंगा, आप देख सकते हैं इसके अंदर। धन्यवाद।